नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की लगातार हार के बाद एक बड़ी खबर आई है। दीपिका कुमारी ने कमाल करते हुए तीरंदाजी की महिला कंपटीशन के अंतिम आठ में पहुंच गई हैं। पहले राउंड ऑफ 32 में उन्होंने भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया और अब उन्होंने अमेरिका की जेम्यूसिनो फर्नांडिस को महिला कंपटीशन के राउंड 16 में हराकर अंतिम आठ में अपनी जगह बना ली है। दीपिका ने जेम्यूसिनो फर्नांडिस को 6-4 से हराकर भारत के लिए मेडल की उम्मीद और भी बढ़ा दी है। बता दें कि 28 जुलाई को भारत की ओर से कई बड़ी खबरें सामने आई थी, जिनमें से एक है दीपिका कुमारी का अंतिम आठ में प्रवेश कर जाना। दीपिका कुमारी के अलावा प्रवीण जाधव ने भी निशानेबाजी में पुरुष कंपटीशन के अंतिम 16 में प्रवेश किया था, मगर प्रवीण जाधव को हार का सामना करना पड़ा। राउंड ऑफ 32 में कमाल का प्रदर्शन करने वाले जाधव को अंतिम 16 में दुनिया के नंबर एक तीरंदाज अमेरिका के ब्रैडी एलिसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि जीत के साथ दीपिका कुमारी ने मेडल की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। पहले उन्होंने राउंड ऑफ 32 में 3 सेट के मुकाबले में अच्छी शुरुआत दी थी। दीपिका शुरू से ही विरोधी खिलाड़ी के ऊपर हावी नजर आई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 में उन्होंने 6-0 से ये मुकाबला जीतकर तब अपनी जगह अंतिम 16 में पक्की कर ली थी। राउंड ऑफ 32 में दीपिका कुमारी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कर्मा को पहले सेट में 8-6, 9-6, 9-9 से हराया था और उन्होंने दूसरे सेट में भी कर्मा को काफी बुरी तरह से शिकस्त दी थी। वहीं अब उन्होंने राउंड 16 में भी कमाल करते हुए अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया है। दीपिका कुमारी अब मेडल से कुछ कदम की दूरी पर है। बता दें, प्रवीण जाधव के बाहर होने के बाद अब दीपिका कुमारी ही भारत के लिए निशानेबाजी में मेडल के लिए आखिरी उम्मीद बची है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।